गाजियाबाद टोनिका सिटी पुलिस ने लूट चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे कारतूस, 2 बाइक कारतूस व चाकू बरामद किया गया। तीनों ही बदमाशों ने लोनी एरिया में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े थे। वे एक राहगीर को तमंचे की नोक पर लूटने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच गश्त के दौरान पुलिस ने तीनों को धर दबोच लिया। तीनों से कड़ी पूछताछ में बताया कि वह राहगीरों को चलते हुए गन पॉइंट पर लूट लिया करते हैं। उनकी निशानदेही पर लूट का माल भी बरामद किया गया। एसपी देहात नीरज सिंह ने बताया कि ये टोनिका सिटी थाने ने कल 3 लोगों को पकड़ा है। ये बड़ी वारदात करने वाले थे, एक दिल्ली के व्यवसायी का के साथ लूट की घटना करने वाले थे। 3 व्यक्ति हैं, तीनों बागपत के रहने वाले हैं, गौतम शर्मा, अनुज त्यागी और मोहित चौधरी। उनमें से गौतम शर्मा इस व्यवसायी के यहाँ पहले कार्य करता था, तो इसको पूरी जानकारी थी कि वो कैश का लेन देन कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं। तो इसने वही योजना बनाई अपने 2 साथियों के साथ और इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। किस तरह का प्रोफाइल है जो इनकी प्रोफाइल अभी हमारे गाजियाबाद जिले में तो इनकी कोई प्रोफाइल है नहीं, क्रिमिनल प्रोफाइल। बागपत तो दिल्ली से हम चेक करवा रहे हैं। सर, क्या पहले भी लोग जेल जा चुके हैं? अभी हम चेक करवा रहे हैं, हमारे यहाँ से नहीं गए हैं। इसमें एक 12th है और बाकी तो ज्यादा पढ़े लिखे। हथियार बरामद हुए, ये प्रेस में कहां से लोगों ने? इसमें जो मोहित चौधरी के पास से हथियार बरामद हुआ है वो इसको कैराना के एक सप्लायर ने दिया था, जिसको हमने चेक करवाया तो उसकी मृत्यु हो चुकी है 2 साल पहले। अनवर नाम का व्यक्ति था।